करो इन्हें। मालिक सब पकड़े गए। चैन नहीं आता, बहुत बेचैन रूह हो तुम। मेरी बेचैनी तब तक खत्म नहीं होती जब तक मैं मुजरिम को उसके जुर्म की सजा ना दिलवा दूं। हरकत तो तुम कई बार कर चुके हो, लेकिन इस बार मेरे पास बतौर सबूत लैला सबा का वो खत है जो उसने अपनी मौत से पहले अपने घर वालों को लिखा था। उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने उसके इर्द गिर्द जासूस लगा रखे थे और अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। मेरे ख्याल में अदालत इस खत की अहमियत को नहीं झुटलाएगी क्योंकि एक तरह से ये लैला सबा का आखिरी बयान है। स्कैन करवा लिया है, अब आप कह देंगे उसकी तहरीर नहीं है, ये खत किसी और ने लिखा है। नहीं, उसके हाथों की खुशबू आ रही है इस खत में से। ये उसी की तहरीर है, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है उसकी, बहुत अच्छा लिखती है। मैंने सुना है आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी उसी बीवी महबूबा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करती हूँ। चले जान ले वो मर जाइए इश्क, कोशिश करना है जिंदगी में कभी होना तुमसे। कपड़े बदल लू मैं, इन कपड़ों में ज्यादा अच्छा नहीं लिखूंगा। अभी थोड़ी देर में सारे शहर में ये बात फैल जाएगी और फिर मीडिया और प्रेस तुम्हारी मेरी तस्वीरें खींचेंगे तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। इन कपड़ों में आई शुड बी लुकिंग हैंडसम। अगर इजाजत हो तो ठीक है, 10 मिनट है आपके पास, मैं इंतजार कर रही हूँ। जाहिद बयाज साहब के साथ जाओ बेडरूम तक, लिबास तब्दील कर लें तो यहाँ ले आना, मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। इसे गाड़ी में डालो, जाओ उनके साथ। फयाज जाओ उनके साथ।